650, ये बाइक रॉयल इनफील्ड की है, ये इसका कलर है सनसेट स्ट्रिप, ब्लैक टैंक एंड रेड स्ट्रिप, उसका नाम दिया गया है सनसेट स्ट्रिप। ये एक बेसिकली 650 सीसी इंजन की बाइक है, विद इसके दो एग्जॉस्ट हैं, एक एग्जॉस्ट ये यहाँ पे है और एक एग्जॉस्ट यहाँ पे, और इसमें एक इसमें क्रैश गार्ड इंस्टॉल करवाए हुए मैंने, एक यहाँ पे है क्रैश गार्ड और एक दूसरी साइड है। ये एक क्रैश गार्ड बेसिकली इंस्टॉल करने का यही मतलब था कि इसमें जो लेग गार्ड आ रहा था वो वैल्यू का नहीं था बिल्कुल भी, वो लेग गार्ड को तो सेव कर नहीं रहा था, वो बेसिकली एक इंजन गार्ड ही था, तो मैंने सोचा कि इससे लुक भी अच्छी हो जाएगी और वैसे भी बाइक अच्छी रहेगी। सो और इसमें 18 इंच के टायर्स दिए हुए हैं, दोनों 18 इंच के हैं, विद इसमें सिक्स गियर ट्रांसमिशन है इसमें, विद इसका अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर कुछ ऐसा दिखता है इसमें। इस बार रॉयल एनफील्ड ने एक अपनी तरफ से एनालॉग मीटर भी दिया हुआ है इसमें, इसमें फ्यूल बता रहे हैं, ओडोमीटर की कितनी चल गई हुई है, विद ट्रिप्स दी हुई हैं कि ट्रिप वन दी है, ट्रिप टू दी है, और ओडोमीटर विद एक आरपीएम मीटर दिया हुआ है इसके बारे में, बैटरी इंडिकेटर है, ये एबीएस इंडिकेटर है, ऑयल इंडिकेटर है, और इसी के साथ साथ न्यूट्रल का भी एक इंडिकेटर इसमें होता है। ज़रा मैं न्यूट्रल कर लूँ बाइक को, एक सेकेंड जस्ट, ओह सॉरी, न्यूट्रल जब भी आपको पता करना है वो तो आपको इसके लिए इग्निशन स्विच ऑन करना पड़ेगा, तो अब हो जाएगी न्यूट्रल, ये होगी न्यूट्रल, वो मुझे उसका ध्यान नहीं रहा था। विद इसमें दो साइड मिरर्स दिए हुए हैं, इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 13.7 लीटर्स, जो इसमें इसका वेट है बाइक का वो है अप्रॉक्स 202 kgs, तो 202 kgs का वेट है इसका, बट इसमें जब फ्यूल डल जाता है तो कम से कम और क्रैश गार्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इसका अप्रॉक्स वेट 220 kgs नॉर्मली रहता है जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ। इसमें जो एग्जॉस्ट दिए हैं इनकी आपको आवाज़ सुना देते हैं, बहुत प्यारी साउंड है इसकी, ये रहा इसका इग्निशन स्विच, ये इसकी आवाज़ है, इसका इंजन किल स्विच, और इसमें ड्यूल एबीएस है विद ड्यूल डिस्क, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि ये एक 650 सीसी है, इसमें ये मस्ट नीडेड है। सो इसमें ये रहेगा कि जब भी आप हैवी बाइक पे ड्राइव आपकी तेज़ है तो आप उसको रोक सकते हो, और 650 सीसी होने के एक बावजूद भी कुछ ऐसा नहीं है कि ये हैंडलिंग में टफ है। हाँ, अगर आप ट्रैफिक में हैं या बाइक को आगे पीछे कर रहे हैं तब आपको थोड़ा भार ज़रूर लगेगा इसका, ऑब्वियसली 220 केजी की है, बट जो आप इसको ड्राइव कर रहे होगे ये बहुत इजी टू ड्राइव है, इजी टू हैंडल है। हाँ, और इसमें एक ये रेडिएटर दिया हुआ है, ये बेसिकली एक एयर कूल्ड है, जो कि एक प्रॉब्लम है वैसे, अभी तो फ़िलहाल सर्दियाँ चल रही हैं, बट सर्दियों में तो चलो ठीक है, बट जब गर्मी आएंगी तो ये एयर कूल शायद इतना काम ना करे, बिकॉज हवा ही उस टाइम बहुत गर्म होती है, तो ये एयर शायद, तो इस वजह से एक मेरे को रॉयल एनफील्ड का कि प्रो इसमें कौन लगा। हम इस बाइक की कॉस्ट की बात करें तो मुझे पड़ गई थी 3.60 की, इसका एक शोरूम प्राइस था 2.9, तो इंश्योरेंस वगैरह डाल के वारंटी वगैरह जो भी सब रहता है उसका कर करके, एसेसरीज वगैरह जो थी उसका कर करके। हाँ, एसेसरीज मैं बता दूंगा इसमें क्या है, ये तो कंपनी फिटेड नहीं है, उनके पास ये था नहीं, एक नीचे सम कार्ड है वो एक एसेसरी लगी हुई है, और एक मैंने यहाँ पे एक पैड लिया था रॉयल एनफील्ड का, जो पैड था वो मैंने हटा दिया क्योंकि वो बहुत ही बकवास लग रहा था, वो जस्ट वॉज नॉट वैल्यू फॉर मनी, यही एसेसरीज थी, उनके पास नेक गार्ड था नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें लगवानी थी बट उनके पास स्टॉक में नहीं थी, तो अभी तक फ़िलहाल सिर्फ मैंने एक क्रैश गार्ड लगवाया हुआ है, और अब फर्दर मैं इसका प्लान कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हेलोजन लाइट है जो कि इतनी अच्छी लुक नहीं देती है, तो यहाँ पे एक LED लाइट शिफ्ट करवाएं, विथ सोच रहा था कि एक रेडिएटर का भी एक गार्ड ले लें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बाइक की, यहाँ पे गार्ड हो तो अच्छा रहता है, विद इसके सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं, सीएट के इसमें टायर्स लगे हुए हैं, विद अच्छी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इस बाइक की, हॉर्न भी बहुत अच्छा दिया हुआ इस बार रॉयल एनफील्ड ने, और एग्जॉस्ट इसके ड्यूल, तो ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ साथ इसका ये एक BS6 मॉडल है। कुछ मैं बात पे एक कंट्रोवर्सी या आर्गुमेंट रखना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड ने ये बाइक
काफ़ी स्लीक दी, इसके इंडिकेटर्स में प्रॉब्लम है, टायर बदले हैं, टायर बड़े दे दिए हैं। बट मेरे हिसाब से कि रॉयल एनफील्ड का इसमें जो बेसिक थीम था वो यही था कि इसकी एक रेट्रो लुक रहे। तो रेट्रो लुक में तो आपको पता ही होगा कि वो एक काफ़ी स्लीक डिज़ाइन होता है, नॉट लाइक क्लासिक 350 की एक मस्कुलर लुक होती है। तो एक सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है बाइक्स का, मेरा टेस्ट इस लुक पे था। अब किसी को नहीं पसंद आएगी, किसी को पसंद भी आ सकती है। तो मैं अपनी तरफ से इस बाइक को कोई 3.8 रेटिंग दूंगा। हाँ, कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे, इसकी माइलेज, प्रोज एंड कॉन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ शॉर्ट था।